आपकी टीम में जेडीयू क्या अपना टारगेट कैसे अचीव करेगी ये बताइए हमें। जेडीयू का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर है कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, और क्योंकि मंझे हुए खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट के, पिछले 20-25 सालों से लगातार रन बनाए जा रहे हैं, इसलिए अभी हाल फिलहाल का फॉर्म हो सकता है थोड़ा खराब हो, लेकिन बिग मैच प्लेयर हैं नीतीश कुमार, बड़े मैच पर बड़े पटल पर हमेशा अच्छा खेलते हैं, और कप्तान जो है वो नरेंद्र मोदी, उन्होंने उन पर विश्वास जताया है। तो इसका मतलब जो है आपकी टीम कप्तान पे ही ज्यादा निर्भर है, आपको लगता है कि आपका कप्तान जो है आपके वाइस कैप्टन को सहारा देके मैच में जो रन बनाने में मदद करेगा। ऑफ कोर्स क्रिकेट में कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है बाबा, आपको पता ही है ये, और कप्तान मजबूत है इंडिया का, और वो जो है पूरे टीम को मोटिवेट करके पुल अप करेगा। अब बात करते हैं कि कहां कहां मुकाबला है, मतलब आपका कैप्टन का किससे मुकाबला है, आपने अब किसको अपोनेंट चुना है, जिसको जिस बैट्समैन को आपका कैप्टन बॉलिंग करेगा तो उसको टारगेट करेगा। जी, तो अगर देखें तो 9 सीटों पर एनडीए के कप्तान का मुकाबला आपके महागठबंधन के कप्तान के साथ है, यानी 9 सीट पे आर या पार है, यानी बीजेपी वर्सेस आरजेडी, बीजेपी वर्सेस आरजेडी है। और आपको भी पता है कि बिहार इलेक्शन लीग है, ये रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैप्टन जो है टीम के वो ऑटोमेटिकली अच्छे फॉर्म में इस लीग में हमेशा इतने सालों से रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उप कप्तान और उप कप्तान जो दोनों ही थोड़े कम फॉर्म में है, दोनों के कप्तानों से हम इस बात को मानेंगे और आप भी मानेंगे, 3 सीटों पे बाजी मार रहे हैं, 3 सीटों पे आमने सामने रहेंगे, ये लड़ने वाले हैं। और 5 सीटों पर कप्तान बीजेपी का मुकाबला आपके उप कप्तान कांग्रेस के साथ है, और आपको ध्यान ही है कि पिछली बार बिहार इलेक्शन लीग नहीं इंडियन इलेक्शन लीग में क्या हुआ था, लगभग 200 सीटों में से 175-180 सीटों पर भाजपा जीत कर आई थी, जहां भी कांग्रेस के साथ उसका मुकाबला था। तो ये भाजपा के लिए कप्तान पूरा कॉन्फिडेंट है कि इन सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी को वो धोएगी। चलिए, ये तो आपकी टीम की रणनीति हो गई, अब जो है दूसरी टीम की रणनीति बता देता हूं। आरजेडी जो है एनडीए के वाइस कैप्टन को टारगेट करेगा 10 सीट पे, ये जरूरी है क्योंकि ऐसा लगता है कि वही कमजोर करी है, जेडीयू कमजोर करी है, तो जेडीयू वाली जो 10 सीटें हैं उस पर आरजेडी कंसंट्रेट करने वाली है। उसके बाद बीजेपी की जो 3 सीट जो है उस पर जो है हमारा मिडिल ऑर्डर जो है महागठबंधन का सीपीआई, माले ये और वीआईपी, ये सारे जो है वो टारगेट करेंगे, और साथ में हमारा कैप्टन जो है वो आपका जो मिडिल ऑर्डर है जैसे कि LJP, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उन सीटों को टारगेट करने वाली है। पूरा का पूरा मुकाबला जो है इस टूर्नामेंट का इन 10 सीटों पर है, जहां पर आपका कप्तान महागठबंधन का कप्तान एनडीए के उप कप्तान यानी जेडीयू के साथ मुकाबला करेगा। चाचा और भतीजा की जहां लड़ाई है, ये पूरा टूर्नामेंट उसी पर डिपेंडेंट है। आपको भी मालूम होगा कि चाचा के साथ सरकार में रह करके भी भतीजे ने गुगली फेंकना सीख लिया है, यॉर्कर डालना भी सीख लिया।